स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूप रुद्रा हूँ आपको आज के खास खबरों से। डॉक्टर अम्बेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के संरक्षक सुनील चंद्रनाथ एवं प्रांतीय अध्यक्ष राजू मरान ने पटंदा के गोबर भूसी क्षेत्र के बीहर जंगलों में विलुप्त हो रही सबर जाति के लोगों से मिले और उनके विकट परिस्थिति और समस्याओं के बारे में जाना। मौके पर समिति के संरक्षक सुनील चंद्रनाथ ने बताया कि बिल्होर परिवार की समस्याओं को शीघ्र खत्म करने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि बरसात में हो रहे लोगों को परेशानी में रानी झांटा पुल निर्माण किए जाएंगे। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रदीप बेसरा, जिला के महासचिव रविन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष गणेश राम उपस्थित। पटंदा से जीटीएन के लिए कृष्णा शर्मा। डॉक्टर अम्बेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी टीम जो पहुंची हुई है यहाँ, आज हम लोग जो भी देख रहे हैं, हम अपने स्तर से समिति की ओर से जो संभव हो सके हम लोग अपने स्तर से करेंगे और जो बाकी नहीं हमसे संभव है वो सरकार को ध्यान आकर्षित करवाएंगे कि यहाँ मूलभूत सुविधा मिले इन लोगों को। यही टीम का समिति के संरक्षण के आना जाना करते हैं। नाला में अभी तक तो पुलिया नहीं है। वन विभाग फॉरेस्ट विभाग के लोग चेक डैम जगह जगह में बना रहे हैं, लेकिन इन लोग का जो नाला पार करना पड़ती है उसमें पुलिया की बहुत ही बहुत आवश्यकता है और उस पर हम लोग चाहेंगे जीटीएन न्यूज को कि उस फोकस डाले और वहाँ जल्द से जल्द ये लोग को पुलिया का। डॉक्टर अम्बेडकर एस सी एस टी वेलफेयर समिति, नाम से स्पष्ट है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। हरी समिति एक के पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन होते हुए भी आज इस सबर गांव में आए हैं और यहाँ का सबर जो विलुप्त होते जा रही है और आने वाले भविष्य में अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो बहुत जल्द ही सबर जाति का नामो निशान हिस्ट्री से मिट जाएगा। जिस परिस्थिति को हम यहाँ देख रहे हैं, जिस तरह का घर है, इंदिरा आवास योजना के तहत मिला होगा या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला होगा या बिरसा आवास योजना के तहत मिला होगा, इससे पता चलता है किस तरह के आवास मिला रहा है। जरा इनका फोटो भी दिखा दीजिए आप इनके आवास का, इससे पता चलता है कि किस तरह के मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इसमें आप साफ देख रहे हैं कि दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, साथ ही साथ सीलिंग का रॉड दिख रहा है। ये लोग अपने जीवन को खतरे में डाल के यहाँ रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यार जीटीएन के टीम के साथ यहाँ एस सी एस टी की टीम जो आई है बहुत ही कठिन और दुर्गम रास्ता से आई है और चलने में भी कठिनाई है। ऐसे परिस्थिति में वन विभाग हो या कोई विभाग हो, सब सरकार के अधीन आते हैं, तो सरकार के अधीन आते हैं तो मिट्टी मोहरम का रोड वन भूमि बनाया जा सकता है, भले पक्का रोड नहीं बन सकता, मिट्टी मोहरम रोड बनाने का प्रावधान है। DFO अगर चाहेंगे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से हम निवेदन करेंगे इस पर पर्सनली जाके कि वहाँ मिट्टी मोहरम को रोड बनाया जाए, क्योंकि ये जो झारखंड जो बना है हरिजन आदिवासी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एवं के विकास के लिए बना है। और जब विकास ही लोगों का नहीं होगा, जब इन जाति ही खत्म हो जाएगी, तो फिर ये राज्य का बनने का मतलब मकसद ही नहीं रह जाएगा। ये मेरा टीम जो आई है, मेरा मकसद आने का एक टीम था कि सबर जाति किस तरह के लोग होते हैं और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और इनका जीविका का सोर्स क्या है। इसे इतना दयनीय स्थिति आज तक हमने कभी नहीं देखा अपने जीवन काल में। और जो भी संभव होगा एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति से हर संभव इस गांव को ऐसे भी प्रभात कंवर ने गोद लिया है और प्रभात कंवर के साथ कंधे में कंधे मिलाकर सबर जाति को हेल्प के लिए हम साथ देंगे। मेरे समिति के जनरल सेक्रेटरी और महासचिव और अध्यक्ष भी आए हैं, उन लोगों का भी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ के कल्याण के लिए कुछ करें। समिति के पास जो भी फंड है वो फंड यहाँ डाइवर्ट किया जाएगा इनके कल्याण के लिए। और इन लोगों का पहला अनुरोध है कि नदी के ऊपर पुल बना दिया जाए, तो लकड़ी का पुल 30 मीटर का बनाने का अभी हम इन लोगों का हेड को बोल रहे हैं और जो भी अभी प्रदीप बेच रहे हैं यहाँ के ऊपर। झारखंड के पूरे क्षेत्र में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के चिकित्सकों को सम्मान करते हुए उन्हें माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। ऐसे मौके पर जमशेदपुर अगासी प्लाजा गुलमोहरी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बनर्जी को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर बनर्जी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं प्रख्यात समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई कार्यक्रम आयोजित कर मानव सेवा की है। मेरे हिसाब से ये जो काम है सेवा का काम, ये तो हर दिन के लिए डॉक्टर्स डे होना चाहिए। डॉक्टर को तो हर रोज एक ही चीज सोच के काम करना चाहिए कि आपके पास भरोसा करके कोई आया है, इसका इज्जत करना आपका पहला कर्तव्य होता है।
बाकी बात में आता है कि हमको इससे कितना रोजगार होगा, कैसे चलेगा। रोजगार बहुत जरूरी है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन पहली बात आना चाहिए दिमाग में कि सेवा करने हम आए हैं ये प्रोफेशन में, इसलिए ये चीज़ हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। दूसरी बात हम जो सोचते हैं वो है कि डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता, ये नहीं कि डॉक्टर का कितना नॉलेज है सब्जेक्ट पर, इससे ज़्यादा जरूरी है दोनों के ऊपर विश्वास कितना है। फिर रहें तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं वो बहुत गलत कर रहा है, उनका भी हक अपने बारे में सोचने का। डॉक्टर साहब अंतिम दो शब्द सबों के लिए, खुश रहिए, कोशिश कीजिए दूसरा का नुकसान नहीं करें। आप किस भी फील्ड में हो, किसी तरह का प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हैं, एक चीज़ हमको हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे काम से, मेरे व्यवहार से दूसरा आदमी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। जितना दूर हो सके हम एक दूसरे को मदद करें, वो और वो खाली आज की परिस्थिति के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, हमेशा के लिए ये बोल रहे हैं। एक मानुष, जैसा हम लोग बोलते हैं, मनुष्य एक सामाजिक जीव है, इसलिए हम लोग का सबका कर्तव्य बनता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम लोग सब मिल के काम कर सकते हैं, यही हम मेरा सबसे उम्मीद है, सबसे अनुरोध है। जमशेदपुर कुम्हार गोड़ा कपाली में एक शादीशुदा महिला अपने बच्चों को छोड़कर घर से गायब हुई। संबंध में उनके परिजनों ने लव जिहाद का मामला बताते हुए कपाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में परिजनों ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक अपने जाति और नाम बदलकर काफी दिनों से यहाँ रह रहा था। वह पड़ोस की युवती के 1.5 साल पहले शादी के नियम से भगा ले गया था। बाद में वह युवक कई युवतियों से रिश्ता बनाया। तो थाना प्रभारी ने इस संबंध में लव जिहाद के मामले से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच की जा रही है। हाँ, यह दुकान है, कपड़ दुकान के लिए काम करते थे लोग, तापर वो कौन कौन ले भेंट हुए कर यहाँ रुआ के लिए गलो लिए गलो, तापर पूरा दिन मैंने एकदम पूरा एकदम पूरा प्यार से रख लो, पूरा प्यार से रख कर यहाँ 2-4 दिन पर आइलो यथा 2-4 दिन छो 4 दिन मान छो 4 दिन थकते थकते फिर गलो आ जा पर हमारा बोलि जो हमारा तब साथ में ले चलो तक बोलो ना एखन नहीं लेव बाद आसबे जाब तो ठीक है तब তারপরে এখন ওয়াক লেগলো আর লেগার পরে ইয়াকে যখন নিয়ে গেল সেখানে পাতা চললো যে আমরা ফোন উন করছি তো ফোন লাগছেই না, লাগছেই না, তারপরে বুঝি পছে মোবাইল বল খারাপ হয়েছে কিন্তু তবে নেই লাগছে, নাই লাগছে তখন আমরা বললি ঠিক আছে তবে, তারপরে এখন যখন ইয়াকে লেগলো তখন পাতা চললো যে না ওয়াকে লেগলো তাহলে মন দিয়ে গেল কোথায় ওই মনে করে পাতা চললো আর নাই তো পাতা পাকিনি আমরা এই কেন মঞ্জু আপনার নাম विदेशी उड़ा पहले इधर फेरी उरी करता था संजना, थोड़ा चाल बीच का लड़का है, मतलब अच्छा लड़का नहीं है, धंधली वाला, तो पहले भी लड़की लेके वो गई है यहाँ से संजना। वो हिंदू के मुसलमान है, लड़का मुसलमान है, मुसलमान लड़की के जो है लड़की सब हिंदू है। नाम तो वो अनुपम राजपूत लिखता है अपने आप को, अपने आप को लिखता है, मतलब उसका डिटेल में देखिएगा ना, तो उसका एक तो में हम लोग देखे थे सलीम कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ था, और एक तो में क्या जैसे उसका ये सिम में जो आता है ना सिम टॉलर को नहीं, हाँ ऐसे क्या सब मतलब फेरी करते थे कश्मीरी कम्बल उम्बल रहे सब ना, हाँ पहले कम्बल उम्बल, हाँ कब लेके गया था इससे पहले? मोटामोटी 2-3 साल से हुई है। पहले तो लड़की वापस आई कि नहीं? लड़की वापस नहीं है, उसका पता ही नहीं चल रहा, उनका भी पता नहीं चल रहा लड़की कहाँ है कहाँ है, उसका माँ बाप भी रोते रहा, अभी क्या करें। देखिए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू। बहन को 1-2 साल पहले लेके गया था, अब 6 महीने पे आया था इधर, 6 महीने 2-4 दिन इधर रुका चला गया, उसका बाद हुआ तो हम लोग को मालूम हुआ कि इधर का लड़की के लेके लेके गया आके। कब लास्ट तुम्हारी बहन से कब बात हुई थी? बात हुआ था 8 जुलाई को, बात हो वही बोल रहा था कि मेरे को मार रहा है इसे, खाने का नहीं दे रहा, निकाल दे रहा है घर से, उतना तक बात हुआ था, उतना बात नहीं हुआ। और उसके बाद फिर? उसका बात यार कुछ नहीं हुआ, बात ही नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, तो इधर आया लेके गया तो हम लोग को मालूम हुआ जब वही लड़का लेके गया उनके, तो उसने बात ही नहीं हुआ अभी तक।
क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं, फोन ट्राई नहीं किया, फोन ट्राई कर रहा हूँ तो लगे ही नहीं रहा, सोचो बता रहा मोबाइल। क्या नाम हुआ तुम्हें? विकास राम। पति से बात कर लिया, पत्नी बोले कि हम उसके साथ हम जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, जा रहे हैं बच्चों को भी हम बाद में ले जाएंगे। कितना बात बोली तो उसने उसका हमने लोकेशन निकाला, लोकेशन आपका टाटा नगर रेलवे स्टेशन निकला, वहाँ हमने तो एक सब जवान और इसके चार छः लोग अपने घर के सदस्य सारे गए उस रेलवे स्टेशन में, अगर सारे लोग चेक किए, चेक किया नहीं मिला। उसके बाद फिर सब पता उन लोग मेरिट करने वाला था, बता चुका था, तो हम लोग केस कहते कि दिल्ली जाएगा या उसी साइड जाएगा, तो हमने फिर आपका 9:30 के बीच में फिर हमने लोकेशन निकाला, तो फिर उसका निकाला आपका कोडरमा। अच्छा, तो कोडरमा निकला लोकेशन, मतलब ये ट्रेन से कहीं कहीं जा रहा, हमने तत्काल तुरंत RPM के इंस्पेक्टर पुलिया से संपर्क किया और GRP प्रभारी गया से संपर्क किया, और उस लड़का लड़की का दोनों का फोटो और आपका सना का जो कॉपी था उसको हमने तुरंत रेलवे को दिया, और वो आपको मुगल सराय तक लोग चेक किया, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, तो फिर अपेक्षा लोग दिया, हमने कैश रजिस्टर कर दिया। कैश रजिस्टर करने के बाद तो लोकेशन जो चल रहा था तो क्यों गए बीच में उतर गया? नहीं उसका हमको रात तक में फिर हमने लोकेशन दिया तो वो गाजियाबाद निकला, तो अब हो सर दूसरी ट्रेन में चल गया होगा, अभी कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, टाटा नगर से जैसे बात की चांदनी प्रभारी से भी बात की, तो वो लोग बोला कि मौर्या कोई एक्सप्रेस है उससे गया होगा, या चंद्रपुरा एक्सप्रेस या मौर्या एक्सप्रेस के जैसे मान लेते हैं कोडरमा बोल रहे हैं, तो चांदनी रूट से ही जाएंगे, चांदनी रूट गया इधर से ही जाएगा, ठीक है। तो कैसे रजिस्टर किया तो जान रहे कि अच्छा उस लड़का के बारे में जो उसका ट्रू कॉलर में आ रहा था, जो नंबर हम डायल कर रहे थे, ट्रू कॉलर में आता कोई हदीब करके नाम है, लेकिन वो जो वादी है वो बताया कि उसको हम राजपूत हैं, और उस लड़का का हमने इससे पहले वो होटल में काम करते थे, एक्चुअली मैटर ये बस ये था कि फिर 2 साल पहले ये होटल वाला का जो बयान है उसके आधार पर 2 साल पहले ये लोग कटरा के रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट में सिंह होटल है वहाँ वो लड़का काम कर रहा था, करीब 1.5 साल रहा, उसके बाद जो मालिक ने बताया कि हम कपाली में शादी कर लिया, तो ये अभी जो लड़की गई है उसी का एक बॉडी एक कैंपस में ही एक और लड़की है मंजूरा, उसके साथ वो शादी कर लिया, शादी करने के बाद लड़की अपने परिजनों को बताया कि हम शादी कर लिए 15 साल जा रहे हैं, और उसके बाद उस परिवार वालों को लगातार संपर्क में रहा। अभी से लगभग 6 महीना पहले वो लड़की अपने एक बच्चा और अपना पति ए अनुपम राजपूत के साथ वापस आई थी, करीब 17-15 दिन रही, उसके बाद पुनः वो लोग वापस उसी जगह में जो भी काम काज करने के लिए गया होगा वो अपना चला गया। तो उसके बाद इसी बीच वो हो सकता है कि इस लड़की एक ही कैंपस में ही रहती थी, इसका भी नंबर लिया होगा, अब बातचीत करते करते इन लोग जो भी दोस्ती परवान चढ़ा होगा उसके हिसाब से इसके 24 तारीख को आया एक दिन और वहाँ से उसको ले गया। इसके नंबर जो वादी एक है वादी के नंबर से वो हमेशा बात भी कर रहा है, और वादी के नंबर से ही मैंने बात किया, मैंने बात किया तो वो बोला कि लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कहीं नौकरी करवाएंगे और सब करेंगे पढ़ना करेंगे, लड़किया लड़का अभी तक स्विच ऑफ नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो जो पता नहीं क्या प्रकार से ले गया, जैसे बोला उसको निभाएगा कि क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर लिया मंजू के साथ अंतिम 8 तारीख को बात हुई, मंजू के बारे में तो फिर कंप्लेन अगर करना हो तो फिर पर्सन जहाँ रह रही थी वहाँ करना होगा, या फिर हम लोग अभी भी इस सारे मैटर को हम लोग देख रहे हैं, और मंजू को भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और वो आपका इस मैटर को तो हम लोग अभी जस्ट एक दिल्ली हमारी टीम गई है, जितना जल्दी हो सकता है उसको जिंदा कर लाया जाएगा, और पहला जो भी यहाँ से गई है उसको बरामद करके लाया जाएगा। ये आपको 3 महीना की जो बात आती है, ऐसा कोई 3 महीना वादी के द्वारा या कहीं भी ऐसे कोई संज्ञान में नहीं आई है, मोमडन वाला जो मामला है मोमडन भी आपका नहीं है, लग जहाज का जो मामला कई मीडिया में आप लोग जहाँ से फ्लैश हुआ ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका नंबर में ट्राई करूँ तो हो सकता है कि आप किस नाम से सेव किए हैं, आपको मतलब कि कुछ और बोलता होगा
पता नहीं ब्लू कॉलर में कभी कभी आप किसी और से नाम से भी लोगों का शौक होता है, उसको आप तो हकीकत नहीं मान सकते ना। उसके लड़के का आधार कार्ड को प्राप्त किया गया है होटल से ही, और उस आधार कार्ड में फोटो है, उसको आपका वादी लोगों का जान रहा है कि हाँ भाई यही लड़का था। मंजू का जो माता है उसके भाई है, और ये वादी के घर के बगल का लड़का है, वो लोग उसने देखा भी अब यही लड़का है, ठीक है। और इसी नंबर उसी के नंबर से भी उसका बात हो रहा है। ब्लू कॉलर में अगर नाम शो हो रहा है कि किसी भी आपका नाम से, उसको आप ये मान के चले कि मोमडन है, ये गलत होगा। एक पत्नी के लिए हिंदू लड़की अब एक बीजागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों द्वारा लगातार उत्पात मचाया जा रहा है। रविवार की देर रात को भी तीन हाथियों का झुंड दो घरों को तोड़कर अनाज को चट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोरेडी गांव में दानी एल जारिका व पाटपुर बाल्डी के पीडीएस डीलर विशु हेम्ब्रम का घर तोड़कर घर में रखे चावलों को हाथियों ने अपना निवाला बनाया। वहीं हाथियों ने बरदाडी गांव के सुस्ती महतो, अजीत महतो, रेखा रानी, गुरुपद महतो सहित दर्जनों किसानों को खेत में उगे धान का बिचड़ा एवं मकई की फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। सोमवार को मुखिया विष्णुदेव महतो ने क्षतिग्रस्त मकान का जायजा लिया एवं वन विभाग से क्षतिग्रस्त मकानों एवं फसलों का जल्द मुआवजा भुगतान करने की मांग की। वहीं दानियल जारिका की पत्नी मगदली जारिका ने बताया कि तीन हाथियों का झुंड घर को चारों ओर से घेर लिया और दीवार को तोड़ दिया। बच्चे वहीं दीवार के पास घटिया में सोते हैं, बच्चे खाना खा रहे थे, अगर सोया रहता तो क्या होता पता नहीं, हमें मुआवजा चाहिए। ईचागढ़ से अरुण मांझी की रिपोर्ट। बजे हम लोग का घर हाथी आया था, तीन दो हाथी आया तो चारों तरफ घेर दिया। मेरा बच्चा जहाँ सोता है वही जगह तोड़ दिया है, और खाना खा रहा था बिस्तर में नहीं गए, बिस्तर में जाता तो मेरा बच्चा क्या होता, दो चावल बोरा था उसी को खा लिया। हम लोग गरीब आदमी है, अभी क्या करेंगे, कुछ तो हम लोग को मुआवजा चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मगदली जारिका, गांव कुडी। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध 84 वर्षीय डॉक्टर सिद्धू को मौके पर शॉल एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। डॉक्टर के एस सिद्धू के सुनारे स्थित आवास पर 56 वर्षों से निस्वार्थ भाव से कुल्हान वासियों की सेवा कर रहे डॉक्टर सिद्धू को विधायक ने सम्मानित करते हुए कहा कि आज पूरे देश को ऐसे ही चिकित्सकों की जरूरत है। श्री कालिंदी ने कहा कि डॉक्टर सिद्धू के चलते पूरे कुल्हान के बहुत से गरीब मरीजों की जान बची है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि डॉक्टर साहब को राज्य स्तर से भी सम्मानित किया जाए। डॉक्टर सिद्धू ने विधायक रोग प्रतिरोधक दवा का पैकेट भी दिया। उन्होंने कहा कि मंगल कालिंदी आज विधायक होने के बावजूद भी लोगों से एक आम आदमी की तरह ही मिलते जुलते हैं, उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। आज विधायक के साथ निखार साहब लोग और सबर जो भाग्य भी मौजूद थे।